हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैथ्स में आज आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग चला जाए उसमें। जैसे आपको संख्या दे देगा, पूछेगा इसका लघुत्तम समापवर्त क्या है, एलसीएम क्या है, तो दी गई सभी संख्याओं से उसमें भाग जाना चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या होती है। और एचसीएम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यह होता है कि दी गई सभी संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में भाग कर दे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भाषा को समझना है और बहुत आराम से आप बिना एलसीएम फाइंड किए, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है आपको बताएंगे, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है आपको बताएंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिना एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए, पता किए, आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। जैसे दे देगा आपको संख्याएं दे दिया, जैसे इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम हम आपको बताए कि दी गई संख्याओं वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। दी गई संख्याओं से वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से भाग चला जाए उसमें, ठीक है। तो इसको ज्ञात करते समय, एलसीएम निकालते समय हम सभी का गुणनखंड निकालते हैं। इसका विधि, बेसिक विधि तो ये है कि ऐसे कर लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल के, जैसे किससे कट रहा है, पांच से कट रहा है, कटा दीजिए, पांच पच्चीस पच्चीस, पांच सत्य पैतीस, पांच अठे चालीस, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या पांच दिख रहा है, यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ सेवन, यहाँ एट, फिर सात को लेंगे, फिर ऐसे करके लगाएंगे। तो ऐसे आपको एलसीएम नहीं निकाला, आपको डायरेक्ट बता देंगे कि एलसीएम कैसे बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम आपको बताए कि छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से, उस सभी संख्याओं का उसमें भाग चला जाए, उसमें 40 का भी भाग चला जाए, 35 का भी भाग चला जाए, 25 का भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड कर देंगे और उसमें देखेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसमें 35 लाने के लिए क्या उसमें शामिल करें कि 35 दिख जाए, उसमें क्या शामिल करें, या 35 है नहीं है तो क्या उसमें संख्या डाल दें कि 35 हो जाए। जैसे 40 का गुणनखंड करेंगे तो एक, अगर इकाई अंक में जीरो दिख रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए उसमें एक दो है, एक पांच है, जीरो का मतलब इसका खंड कर दीजिए, एक दो हो गया, एक पांच हो गया, आपके बचा क्या, चार बचा, चार का गुणनखंड करेंगे तो दो गुणे दो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 40 का गुणनखंड हो गया, दो दूनी चार, दूनी आठ, पंचे 40। और अब इसमें 35 लाने के लिए क्या गुणा करें, 35 आ जाए, ठीक है, 35 दिख जाए। तो हम जानते हैं पांच सत्य 35 होता है, जिसमें सात नहीं दिख रहा, सात का गुणा कर दीजिए, अब हमारा 35 दिख गया, 35 को काट दीजिए, 25 है, 25 नहीं है, 25 को लाने के लिए दो पांच की आवश्यकता है, पांच गुणे पांच, एक पांच है, इसमें एक पांच और डाल दीजिए, तो आप 25 भी इसमें दिख जाएगा, ठीक है। अब यही इसका एलसीएम हो गया, कितना आसान था, आप इसका बता सकते, यहां तक 40 था, यहाँ तक 40 था, बस अलग से क्या इसमें डाले हैं, सात का गुणा किया है पांच का, मतलब 40 गुणे 35 हो गया, 40 इधर था गुणे 35 करेंगे, यानी चार चार पंचे 20, 200 हो जाएगा, 200 में सात का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 में सात का गुणा करेंगे 14, ये आपका एलसीएम आ गया 1400, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी संख्या का बहुत आसानी से उसका एलसीएम बता पाएंगे, ठीक है। कोई भी संख्या है, आप बड़े संख्या का गुणनखंड कर दीजिए, उसमें छोटी संख्या इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे दूसरा संख्या लेते हैं,
जैसे संख्याएं दे दिया, इसका एलसीएम बताना है, ठीक है। तो हम बताए बड़ी संख्या को ध्यान में रखना है, उसका खंड कर दीजिए, उसमें छोटी संख्या अगर दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो दिखने के लिए क्या उसमें डाल दें, छोटी संख्या दिखने लगे उस खंड में, इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35। अब इसमें देखो 14 दिखने के लिए क्या डाले, 2 की जरूरत है, 2 डाल देंगे 14 आ जाएगा, 14 कट गया, 7 तो पहले से ही है, 7 हट गया, ठीक है। कितना आसानी से आपका एलसीएम आ गया, इसका गुणनखंड तो मतलब 35 का एक गुणनखंड था, इसमें 2 से अलग से 2 का गुणा किए हैं, 35 दूना कितना हो गया 70, हमारा एलसीएम कितना आ गया 70, ठीक है। और आपको एक बात बता दें, क्यों हम एलसीएम पढ़ते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पढ़ते हैं, एचसीएम नहीं पढ़ते हैं। एलसीएम को पढ़ा जाता है लेकिन एचसीएम को क्यों नहीं पढ़ा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है पता है आपको? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आप कैसे बता सकते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ये छोटी से छोटी संख्या आ गया, ठीक है, 7, 14, 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 70 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 7, 14, 35 का भाग चला जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या अगर इसमें बोल दिया, याद करो कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 7, 14, 35 का भाग चला जाए, तो आप 70 है छोटी छोटी, अब इसको बड़ी से बड़ी करेंगे, इसमें गुणा करते चले जाइए, गुणा करते चले जाएंगे, संख्या अनंत तक चले जाएगी, अनंत जब खुद नहीं डिफाइन है तो कैसे आप बता सकते हैं कि हाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पढ़ते हैं, एलसीएम पढ़ा जाता है, एचसीएम नहीं पढ़ा जाता है, समझ में आया? और एचसीएम पढ़ा जाता है, एचसीएफ पढ़ा जाता है, एचसीएफ पढ़ा जाता है, एचसीएफ यह हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं में भाग कर दे, जो दी गई संख्याओं में भाग कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो सभी दी गई संख्याओं में भाग कर दे, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा जाता है लेकिन लिस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ा जाता, या सीएफ नहीं पढ़ा जाता है, या सीएफ यह नहीं पढ़ा जाता है, यह पढ़ा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ा जाता? लिस्ट कॉमन फैक्टर एक हो जाएगा, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग कर दे तो वो संख्या एक होगा, तो इसका सभी सभी का आंसर एक आ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है, समझ में आ गया। और एलसीएम आपको डायरेक्ट सॉल्व करने आ गया, कैसे संख्या दी है तो आप कैसे उसका एलसीएम डायरेक्ट बता पाएंगे, आइए एक उदाहरण से और समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे कोई संख्या दे दिया, संख्या दे दिया 1 बताइए, ठीक है, तो बड़ी संख्या का गुणनखंड करेंगे, सर्वप्रथम बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 63, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 × 9 = 63। अब 35 लाने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता है, 7 और 5 की, 7 दिख रहा 5 नहीं दिख रहा, 5 डाल देंगे, ठीक है 35 हट गया। और 28 लाने के लिए 7 और 4 की आवश्यकता है, 7 × 28 होता है, तो यहाँ 7 दिख रहा लेकिन 4 नहीं है, 4 मतलब 2 × 2, ठीक है, हो गया एलसीएम मेरा आ गया, गुणा कर दीजिए 7 × 5 = 35, 2 × 70 = 140, ठीक है 140 × 9 करेंगे, 14 × 9 = 126 के आगे 1 0 लगा दो, 1260 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको बताते हैं, यही संख्या है, ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और इसमें सभी को चेक नहीं करना है, जैसे इसका सबसे बड़ी संख्या में अगर उसका छोटा फैक्टर है, गुणनखंड है, तो उसको पहले से बाहर कर दीजिए, जैसे 84 का फैक्टर 42 दिख रहा है, 42 × 84 हो तो 42 को लेना नहीं है, ठीक है, जो इसमें इसका फैक्टर दिख रहा है उसको ऐसे हटा दीजिए,
जैसे 42 गुना 84 होता है, 42 को नहीं ध्यान में रखना, 84 का गुणनखंड कर दिए, उसमें 36 देखिए है 24 है, अगर नहीं है तो लाने के लिए क्या उसमें और इंक्लूड कर दे, क्या और किस संख्या का और गुणा कर दे वो दिखने लगे। ठीक है, 84 का गुणा करेंगे तो क्या होता है, 12 × 7 = 84 होता है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 3 = 12, इसका मतलब 2 × 2 = 4 × 3 = 12 × 7 = 84, 84 का गुणनखंड हो गया। अब इसमें 36 लाने के लिए 6 × 6 = 36 होता है, यहाँ 2 × 3 = 6 दिख रहा है, और 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, 1 × 3 की कमी है, 3 डाल दिए, 42 को ध्यान देना नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड है। अगर किसी बड़ी संख्या का उसका गुणनखंड उसका फैक्टर दिख रहा है तो छोटी संख्या को ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, और 24 को लाने के लिए 8 × 3 = 24 होता है, 3 तो है इसमें, 8 लाने के लिए यहाँ पर 2 × 2 = 4 दिख रहा है, 1 2 की कमी है, 1 2 डाल दीजिए, आपका एलसीएम आ गया। यहाँ तक 21 × 21 = 42 × 84, यहाँ तक 84 था आपका। ठीक है, आप अलग से क्या इसमें डाले, 6 डाले, 84 × 6 एलसीएम हो गया, 84 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 6 = 24, 6 × 48 = 48 × 2 = 50, 504 आपका एलसीएम आ गया। और एलसीएम निकालते समय आपको एलसीएम भी नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, आप डिजिट सम से आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन में जो रहेगा, जैसे यहाँ देख लिया 6-3 डिजिट सम करना दिख रहा है ना, तो ऑप्शन का आपको डिजिट सम एक ही ऐसे देगा कि जिसका डिजिट सम 9 होगा, तो आप बिना एलसीएम सॉल्व किए उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप सीख लीजिए एलसीएम सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे बिना एलसीएम सॉल्व किए, बिना एलसीएम सॉल्व किए आप एलसीएम एलसीएम के क्वेश्चन डायरेक्ट देख के ही उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए, उसके बाद आपको एलसीएम एलसीएम के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर दिख जाएगा। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भिन्न का एलसीएम दे दिया, जैसे दे दिया 7, ऐसे संख्या दे देगा 5/7 और 6/9 दे देगा 15/3। अब इसका पूछ लिया एलसीएम बताओ, ऐसे संख्या देके एलसीएम पूछ लेगा, तो आप क्या काम करेंगे, एलसीएम निकालते समय अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर का जो है एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, नीचे का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या बताया, बड़ी संख्या को ध्यान में रखना है, अगर इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या अगर उसका फैक्टर दिख रहा है तो उसको ध्यान में नहीं लेना, जैसे 5 इसका फैक्टर है 15 का, तो 5 को ध्यान में नहीं लेना, बस 6 इसमें देखना है, 6 की है कि नहीं, तो 3 × 5 = 15 होता है, तो 6 लाने के लिए 2 का गुणा कर दो, क्या एलसीएम आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को बराबर बराबर काट दे। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के सिवा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को भाग करे, तो ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30/1 यानी 30 आंसर है, इस संख्या के एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। आया समझ में, तो आप ऐसे भिन्न का एलसीएम निकाल सकते हैं। और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में उल्टा होगा, ऊपर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ऊपर का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे का एलसीएम, अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कर दिया, महत्तम समापवर्तक बताइए भिन्न का, ऊपर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे संख्या दे दिया 1 संख्या दे दी, अब इसका बोल दिया महत्तम समापवर्तक के लिए, तो क्या बोले, ऊपर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया, ऐसी कोई संख्या बड़ी से बड़ी है जो सभी संख्याओं में भाग करते, तो कोई संख्या नहीं दिख रही एक के सिवा, तो क्या एचसीएफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, तो दी गई संख्याओं का भाग जाने के लिए छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 12 सबसे बड़ा दिख रहा है, 12 का फैक्टर 3 है हट जाएगा, अब 12 तीन चौके 12 होता है, ठीक है, तीन चौके 12 मतलब 3 × 6 × 12, और इसमें 9 लाने के लिए क्या कर देंगे हम, 3 को डाल देंगे, तो 12 अलग से हम क्या डाले, 3, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 × 36, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 1/36। आया समझ में, आप इस तरीके से समझ में आ गया होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ दे देगा आ जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम आपको विदाउट एलसीएम एचसीएफ सॉल्व किए आप बता सकते हैं डिजिट सम से, लास्ट डिजिट से, ठीक है, आप उसका आंसर डिजिट सम और लास्ट डिजिट से बता सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे दे देगा आपको दो संख्याएं दे देगा, ठीक है, दो संख्याओं का या लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दे देगा, तो पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, इसका सूत्र होता है एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एलसीएम दे देगा एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं देकर एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं देकर एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ लेगा, ठीक है, और ये इन्हीं तीन में इन्हीं चारों में से तीन देकर एक आपसे पूछ लेगा। तो इसको सॉल्व करते समय आपको विदाउट ये लगाए, बिना फार्मूला लगाए क्वेश्चन को देख के आंसर बता पाएंगे। जैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दे दिया महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे दिया, महत्तम समापवर्तक जैसे मान लीजिए 12 हो गया और लघुत्तम समापवर्तक 336 दे दिया, ठीक है, इसमें से एक संख्या आपको दे दिया 84 है, तो दूसरी संख्या बताना है, तो दूसरी संख्या बताने के लिए आप या 12 × 84 इसको कटाएंगे, फिर 7 से यहाँ भाग करेंगे, 7 × 7 = 28, कितना बच रहा है, 28 × 5 = 33 होगा, 56 हो गया, 7 × 8 = 56, यहाँ 48 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको बिना सॉल्व करे, ये तो आसान तो है, सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन इसको बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे यहाँ से किस संख्या से गुणा करे, जैसे 6 × 6 = 12, इकाई अंक इसमें 2 बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही ऐसा रहेगा कि यहाँ किस संख्या से 4 का गुणा करे इकाई अंक 2 बन जाए, ठीक है, जैसे 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 बनेगा इकाई अंक, 2 में करेंगे 8 बनेगा, 3 में करेंगे तो 2 बनेगा, ठीक है, 4 × 12 = 2 बनेगा, ठीक है, 3 पे करने पर 2 बन रहा है, फिर आपको 8 में करने पर 4 × 8 = 32 इकाई अंक 2 आ जाए, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या 3 होना चाहिए इकाई अंक या 8 होना चाहिए, तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा जिसका इकाई अंक 3 या 8 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में ऐसे तो आप डायरेक्ट इसी यहाँ देखे 4 है, उसके बाद एक ही ऑप्शन में 8 रहेगा, जैसे 48 इसका आंसर है, तो ऑप्शन में 8 दी किया इकाई अंक, डायरेक्ट बिना इसको सॉल्व किया आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। आपको अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है बिना एलसीएम सॉल्व किए, बिना एचसीएफ सॉल्व किए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।